2020 में छाई रहेंगी ये 8 बॉलीवुड अभिनेत्रियां, रिलीज होंगी सबसे ज्यादा फिल्में। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। साल 2019 में बॉलीवुड अभिनेत्रियों का दबदबा रहा। कंगना रनौत, भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट और तापसी पन्नू जैसी अभिनेत्रियों द्वारा कई बढ़िया परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। यह सिलसिला 2020 में भी जारी रहने वाला है, क्योंकि कई स्थापित अभिनेत्रियों के अलावा नई अभिनेत्रियां भी अपनी चमक सिल्वर स्क्रीन पर बिखरेंगी। ऐसे में हम नजर डालते हैं 2020 में कौन सी अभिनेत्री की कितनी फिल्में आएंगी। आलिया भट्ट, 2019 आलिया के लिए मिला जुला रहा। एक और जहां गली बॉय ने कई अवार्ड्स बटोरे, वही कलंक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। ऐसे में 2020 आलिया के लिए काफी उम्मीदों भरा साबित होने वाला है। वह 4 फिल्मों में दिखेंगी। ब्रह्मास्त्र साल के अंत में रिलीज होगी, जिसमें आलिया रणबीर कपूर के अपोजिट नजर आएंगी। वही SS राजामौली की RRR में आलिया अहम किरदार में दिखेंगी। इसके अलावा अपने पिता महेश भट्ट के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सड़क 2 में आलिया आदित्य रॉय कपूर के साथ दिखेंगी। आलिया के लिए साल की एक और महत्वपूर्ण फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी, जिसका नाम गंगूबाई काठियावाड़ है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित होने वाली इस फिल्म में आलिया अजय देवगन के अपोजिट दिखेंगी। कंगना रनौत साल की दमदार शुरुआत कंगना पंगा से करेंगी, जो कि 24 जनवरी को रिलीज होंगी। इस फिल्म में कंगना एक हॉकी प्लेयर के रोल में होंगी। इसके बाद कंगना जयललिता की बायोपिक थलाइवी में दिखेंगी, जो कि 26 जून को रिलीज होगी। अक्टूबर में कंगना की फिल्म धाकड़ आएगी, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन सीन्स करती दिखेंगी। क्यारा अडवाणी के लिए साल 2019 बेहतरीन साबित हुआ। कबीर सिंह और गुड न्यूज से उनका सितारा चमक गया। 2020 में भी क्यारा कई दमदार किरदार निभाती दिखेंगी। उनकी साल की पहली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ईद के मौके पर रिलीज होगी, जिसमें क्यारा अक्षय कुमार के अपोजिट होंगी। इसके बाद 31 जुलाई को भूलभुलैया 2 में क्यारा का कॉमिक अंदाज देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्यारा सोलो लीड फिल्म इंदु की जवानी और शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट दिखेंगी, जिनकी रिलीज डेट फिलहाल सामने नहीं आई है। तापसी पन्नू ने अब तक सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में काम कर संजीदा अभिनय का परिचय दिया है। पिंक, मुल्क, बदला और नाम शवाना जैसी फिल्मों में उनका काम काफी सराहा गया। एक बार फिर तापसी ऐसी ही एक फिल्म थप्पड़ में नजर आएंगी। ये भी एक खास सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। इसके अलावा तापसी इस साल नन्ना परिया सामी की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित फिल्म रश्मि रॉकेट में दिखेंगी। वही सितंबर में उनकी हसीन दिलरुबा रिलीज होगी। फिल्म में तापसी के अलावा विक्रांत मेसी भी नजर आएंगे। भूमि पेडनेकर, 2019 का साल भूमि के लिए बेहतरीन रहा। सांड की आंख, बाला और पति पत्नी और वो में उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों पर छाप छोड़ी। 2020 में भी भूमि 4 फिल्मों में दिखेंगी। भूत, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, तख्त और दुर्गावती में भी उनके कई रूप देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत में दीपिका छपाक में दिखेंगी, जिसमें वह एसिड अटैक सर्वाइवर मालती के रोल में होंगी। फिल्म लक्ष्मी अग्रवाल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसकी डायरेक्टर मेघना गुलजार है। वहीं दूसरी फिल्म 83 में, जिसमें वह कपिल देव की पत्नी रोमी का किरदार निभाएंगी। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव के रोल में होंगे। इसके निर्देशक कबीर खान हैं। जानवी कपूर, जानवी के लिए भी 2020 काफी हैपनिंग साबित होगा। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में वह एक जाबाज इंडियन एयरफोर्स पायलट के रोल में होंगी। फिल्म 13 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद रूही अफजा में वह राजकुमार राव के अपोजिट दिखेगी, जो कि 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इसके बाद दोस्ताना 2 में जानवी कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आएंगी। वही दिसंबर 2020 में जानवी तख्त में एक अहम किरदार निभाती दिखेंगी, जो कि करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म होगी। सारा अली खान, 2019 में कई बेस्ट डेब्यू के अवार्ड जीतने वाली सारा इम्तियाज अली की लव आजकल 2 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट दिखेंगी। वही कूली नंबर 1 में उनके हीरो वरुण धवन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।